नमस्ते पीपल, दिस सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो थाईलैंड जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि थाईलैंड मशहूर है वहाँ की नाइट लाइफ के लिए, वहाँ की मसाजेस के लिए। तो ये वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा वहाँ के मसाजेस कितने टाइप के होते हैं और क्या उनका एक्चुअल प्राइस है। पहला जो मसाज है वो है रेगुलर थाई मसाज। ये ऐसी मसाज की शॉप्स है वो आपको बैंकॉक, पटाया, फुकेट में हर जगह देखने के लिए मिल जाएंगी। ये शॉप्स के रेट्स आपको बाहर उनके लगे हुए दिख जाएंगे। इनका जो एक नॉर्मल रेट होता है वो चालू होता है 100 बाहर से लेके 500 बाहर के बीच में मिलेगा। प्रोफेशनल्स काम करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर सच में मसाज लेना चाहते हैं, जैसे कि फुट मसाज हो गया, थाई मसाज हो गया, तो आप इनमें से किसी भी शॉप में जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फुट मसाज लेना है तो आपको 200 बाहर देने पड़ेंगे। एक घंटे के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा देके, एक्स्ट्रा बाहर देके अपना ड्यूरेशन भी बढ़वा सकते हैं। ये तो बात हो गई रेगुलर मसाज शॉप्स के बारे में, जो आपको हर एक जगह पर मिल जाएंगी। सेकेंड है एक्स्ट्रा मसाज शॉप्स। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा है वो लगा है एक्स्ट्रा मनी के लिए और एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए। अगर आपको अभी तक बत्ती नहीं जली तो मैं आपको बता दूं, ये एक्स्ट्रा सर्विसेज की जो मैं बात कर रहा हूँ वो है यहाँ की अडल्ट सर्विसेज। अब आप इस सर्विस को कैसे लेंगे? जब आप बैंकॉक में या पतंगगिरी में घूम रहे होंगे तो आपको वहाँ पे काफी सारी लड़कियां मिलेंगी जिनके हाथ पे पैम्पलेट होगी। पैम्पलेट में मसाज या उसका प्राइस लिखा होगा। एक बार बात करने के बाद जब आपको मसाज प्रोवाइड किया जा रहा होगा तो आपको अडल्ट सर्विसेज के लिए पूछा जाएगा। अब इसमें ट्रिक ये है कि आपसे काफी ज्यादा बात मांग सकते हैं, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन पे होते हैं कि आप ऑफकोर्स वहाँ पे बार्गेन तो नहीं करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी टाइप के आप स्कैम में ना फंस जाएं। थर्ड जो मसाज है इसका नाम है सोपी मसाज। अब ये मसाज एक अलग ही चीज है। मतलब मसाज में आपको क्या चाहिए? सोप चाहिए, बबल चाहिए, हैं लड़कियां हैं चाहिए हैं, और काफ़ी खूबसूरत है। जब आप जाएंगे किसी भी बैंकॉक या पटाया किसी भी जगह पे, तो आपको अलग से इसके सैलून दिख जाएंगे, रंग बिरंगे से, मतलब अट्रैक्ट कर रहे होंगे आपको। आप जैसे यहाँ पर घुसेंगे, आपको डिपेंड करता है वो सैलून कितना बड़ा है। मोस्टली उसको 100 एंजल्स बोलते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर 100 लड़कियाँ बैठी होंगी जिनके एक नंबर्स होगा, आप उसको नंबर को चूज कर सकते हैं और वो लड़की पर्सनली आपको मसाज देगी आके। यहाँ पर जो एक ट्रिक है, एक जो चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लड़कियों को 3 बैच में बांटा जाता है, रेड कलर, ब्लू कलर एंड पर्पल कलर। जो रेड कलर का जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है 1500 से लेके 2000 बाहर के बीच में। जो ब्लू कलर की बैच है वो स्टार्ट होती है 2500 से लेके 3500 बाहर के बीच में। और जो पर्पल है उसमें मोस्टली मॉडल्स आती हैं, तो उनका प्राइस काफ़ी हाई होता है, 3500 से लेके 6500 बाहर तक। अगर आप लोगों के पास कुछ ज़्यादा ही पैसे हैं तो आप पेंट हाउस वाली गर्ल्स को ले सकते हैं, जिनका प्राइस चालू होता है 10,000 बाहर से। लास्ट जो टाइप है वो है गर्ल मसाज। अगेन ये इरोटिक मसाज है, इसको लेने के लिए आपको किसी भी रेड एरिया में मिल जाएगा। बट अगेन ध्यान रखने वाली चीज़ है, आपका स्कैम भी हो सकता है, ट्रिक भी हो सकती है, लड़के का लड़की हो सकता है, लड़की का लड़का हो सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि आप लड़की लेके आए और आपको लड़का मिल जाए तो तकलीफ हो सकती है। तो ये थे थाईलैंड के मसाजेस के प्राइस और उनके बारे में सारी डिटेल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के बाय।